भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 550 ईस्वी पूर्व में ईरान के साइरस द्वारा किया गया था, जो विफल रहा। बाद में डेरियस प्रथम के द्वारा, जो आप जानते हैं, जो 20वां राज बना था वो डेरियस प्रथम है, लेकिन पहला आक्रमण साइरस द्वारा किया गया था। भारत पर दूसरा ईरानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस प्रथम किस वंश का शासक था? हखमनी वंश का शासन था, जो 1518 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व के आसपास आक्रमण किया था। प्रश्न है कि सिकंदर किस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया? हिंदू कुश के रास्ते पे, हिंदू कुश के रास्ते से आया था। सिकंदर कहां का शासक था? मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था। फिलिप। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकोटर तथा नियार्कस सिकंदर का जल सेनापति था। मुख्य सेनापति था सेल्यूकस निकोटर, नियार्कस जल सेनापति था। सिकंदर को किस राज्य से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा भारत में? पूरु राज्य से। पोरस का राज, पोरस जो पूरु राज्य था उसका, वो राज कहां था? झेलम और चिनाब नदी के मध्य में था। सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज के युद्ध के रूप में जाना जाता है। सिकंदर और पूरु के राजा पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन विजित था? इसका सही आंसर है सिकंदर, लेकिन सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर उसके राज्य को लौटा दिया था। सिकंदर ने पोरस के विरुद्ध विजय प्राप्त किया था, इसके उपलक्ष में किस राज्य की स्थापना की थी? इसके उपलक्ष में सिकंदर ने निकाया की स्थापना की। निकाया NIKAIA। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई। वो भारत में कितने महीने तक रहा? सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। सिकंदर की सेना मगध की शक्तिशाली सेना से डरकर आगे बढ़ने से किस नदी के तट पर इनकार कर दिया था? व्यास नदी। सिकंदर ने मिस्र पर विजय के उपलक्ष में किस नगर की स्थापना की? सिकंदरिया नामक नगर। और कुछ राजधानी से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आया हुआ है, तो आप हमें बता दें कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। और मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ।
वांग राज की राजधानी कहां थी? चंपा। और काशी की? वाराणसी। और अवंती की? उज्जैनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखने की प्रथा आरंभ की? बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहां भेजा था? अवंती राज प्रद्योत की सेवा में। प्रद्योत की सेवा में बार बार आया हुआ प्रश्न है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को कहां का प्रांतपति नियुक्त किया? अंग का। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की थी, उसका नाम क्या है? अजातशत्रु। इसका स्रोत बौद्ध साहित्य है। और मैं आपको बता दूं कि अजातशत्रु के बारे में ये तथ्य जैन साहित्य इसको इनकार करता है, इसको नकारता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, लेकिन जैन साहित्य इसको इनकार करता है। कौनिक किस राजा को कौनिक कहा जाता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस राजा ने पराजित कर बंदी बना लिया था? कौशल नरेश परसेन जीत। और किस राजा ने रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर भी अजातशत्रु है। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और नंद राजा का कलिंग पर भी अधिकार था, इसका वर्णन कहां मिलता है? खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से। नंदवंश ने 322 ईस्वी पूर्व तक राज किया। नंदवंश ने 322 ईस्वी पूर्व तक मगध पर राज किया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घरानंद। और सिकंदर का भारत पर आक्रमण घरानंद के शासनकाल में ही हुआ था, और घरानंद को परास्त करके मगध में एक राज की स्थापना हुई थी, उसका क्या नाम है जो बहुत मशहूर हुआ था? मौर्य साम्राज्य। थैंक यू बहुत बहुत। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो
ये जो भी प्रश्न आए थे, ये सारे प्रश्न आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडी, एनडीएल, टीटीटी, बीएड समूह और सारे के सारे को हमने कलेक्ट करके एक जगह एक्युमुलेट करके संचय करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। करीब ये 200 प्रश्नों का संग्रह है, 200 से 250 प्रश्न के संग्रह हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में प्रश्नों के छूटने की संभावना न के बराबर होगी। तो चलिए, आप ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहें। थैंक यू।